गोरखनाथ जी का धूना कैसे लगाएं, वो भी घर पर गृहस्थ जीवन के अंदर। बाबा गुरु गोरखनाथ को भोग कैसे लगाते हैं? देखिए तरीके तो बहुत हैं, पर एक सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जिससे बाबा गुरु गोरख मेरे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। गोरखनाथ जी का धूना कैसे लगाएं, वो भी घर पर गृहस्थ जीवन के अंदर, और उनको भोग कैसे दें, उनको प्रसाद कैसे खिलाएं, उनको कैसे मनाएं। तो ये वीडियो आज लास्ट तक देखिएगा, एक एक बात आपको नोट करके रखनी है अपने पास और समझनी है कि क्या करने से कैसे मेरे गुरु गोरखनाथ मेरे महाराज प्रसन्न होते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए नहीं हैं तो सब्सक्राइब आपने कर रखा है, नहीं किया है तो कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। जय गुरु गोरखनाथ की, जय बागड़ वाले की, जय धाम आहार की, जय मेरे सिद्ध बाबा महाराज की, जय सिद्ध गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय। बाबा गुरु गोरखनाथ के भक्तों, सभी देवी देवी सज्जनों, सभी इष्ट मित्रों का इस चैनल पर स्वागत है, जिस बाबा गुरु गोरखनाथ के चेला गोरख का, जिसमें बाबा गुरु गोरखनाथ की शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनके उपदेश, उनकी कीर्ति के बारे में समाज को अवगत कराना हमारा उद्देश्य है। तो आप भी इस चैनल में अपने उद्देश्य के साथ लगे रहिए और समाज को शिक्षित करते रहिए। बात हम कर रहे थे यहाँ पर बाबा गुरु गोरखनाथ के धूने की। तो बाबा गुरु गोरखनाथ का धूना और भोग, सबसे पहले हम बात करते हैं धूने की, क्योंकि धूना लगेगा तो ही भोग दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें धूना लगाना होता है। धूना कैसे लगाते हैं? देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा, आप किसी भी बाबा गोरखनाथ के सिद्ध पीठ पर गए होंगे, सिद्ध जगह गए होंगे, या किसी मंदिर पर भी गए होंगे आप, तो वहाँ बाबा का धूना होता है, एक बड़ा सा कुंड होता है, जिस कुंड में धूना लगा हुआ होता है, बाबा का एक चिमटा लगा हुआ होता है, और वहाँ सिद्धपीठों पर तो लगभग 24 घंटे धूना चलता रहता है, और जो छोटे मंदिर होते हैं उनमें सुबह के समय शाम के समय धूना लगाया जाता है, मंदिर के पुजारी द्वारा या भक्तों के द्वारा। और धूने के अंदर लकड़ी और गोरख, यानी कि गौ की रख, गोबर का उपयोग किया जाता है, इनसे धूना बनाया जाता है, धूना लगाया जाता है। तो आप घर में कैसे धूना लगा सकते हैं, इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप स्वच्छ हो जाइए, नहान धोने की आप अपनी प्रक्रिया को, रोज की जो दिनचर्या उसे निवृत्त हो जाइए, और बाबा के आसन के सामने अपना एक आसन लगा लीजिएगा। आपको एक, मैंने पहले भी बताया कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पूजा के लिए कुछ आवश्यक नियम और विधि बताई हुई है, उस वीडियो को, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, उसको ज़रूर से देखिएगा, ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस ही पोजीशन में आपने आसन लगा के आप धोने के लिए बैठेंगे। अब बाबा का धूना लगाना, जाहिर सी बात है घरों के अंदर जैसा कि आज का प्रणाली है, हम लोग फ्लैटों में रहते हैं या मकानों में रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, खुला कुछ नहीं होता, तो ऐसे में धूना लगाना सबसे बड़ा एक चैलेंज का काम है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक मिट्टी का कटोरा टाइप ले लीजिएगा, आप बाज़ार में मिल जाते हैं कसोरे साइज, इतनी बड़ा साइज के हिसाब से कसोरा टाइप जो बड़ा कटोरा होता है मिट्टी का, तो वो आप ले लीजिएगा, और उसमें आप गोबर के उपले ले आइएगा। गोबर के उपले आपको जो भी क्या कहते हैं ये डेयरी वाले रहते हैं, अगर आप शहरों में रहते हैं तो गाँव में तो आसानी से अवेलेबल है, छोटे कस्बों में भी आसानी से अवेलेबल है, पर अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में जो डेयरी है जहाँ से दूध ले आते हैं, जो भैंसों का पालन करते हैं या गाय का पालन करते हैं, आप उनके पास से उनको बोल सकते हैं, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। या आप बिल्कुल भी अगर ऐसी कोई डेयरी नहीं, आप सिंपल सी डेयरी, दूध की डेयरी है, दुकान है, उससे लेकर आते हैं, तो दूध की जो दुकान की डेयरी वाले उनसे भी कहेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे लेंगे और अवेलेबल करा देंगे। तो आपको वो उपले लेके आने हैं। अब उपले के साइज के हिसाब से देख लीजिए, बड़ा उपला है तो उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, छोटा उपला है तो उसको 2 टुकड़े कर लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर लीजिएगा, उपले को उसको तोड़ लीजिएगा, क्योंकि उपले को बहुत बड़ा एकदम अपना बनाएंगे तो धुआं आप सहन नहीं कर पाएंगे इस पूरे घर के अंदर। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ ये गृहस्थ जीवन के लिए बता रहा हूँ, जो कि शहरों में या गाँवों में, घरों में, मकानों में, फ्लैटों में रहते हैं, ये सन्यासी प्रक्रिया नहीं है, या खुले मकानों में जो लोग परमानेंट धूना बना के रखते हैं उनके लिए नहीं है ये धूना, केवल जो गृहस्थ हैं, जो छोटे मकानों में, घरों में रहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, वो छोटा जो आपने टुकड़ा बनाया है उपले का, गैस घरों में अवेलेबल है आज की डेट में, आपको उस गैस पर रख देना है और मंदी आँच पर उसको सिलगने देना है। जब वो लाल हो जाता है,
तो आप उसको उठाएंगे चिमटे की सहायता से या कैसे भी, और उसको उठा के जो आपका मिट्टी का जो पात्र था, मिट्टी का जो बर्तन था, उसके अंदर रख लेंगे। ठीक है, रखने के बाद में उसके ऊपर देसी घी की आहूति देंगे, देसी घी चम्मच से उसके ऊपर सारे में देसी घी आप आहूति देंगे, देसी घी की। देसी घी की आहूति देने के बाद में आप उसमें बाबा गुरु गोरखनाथ का ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ेंगे उनके बाबा गुरु गोरखनाथ के, और गुरु गोरखनाथ का ध्यान करने के बाद उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। उस जो आपने किया था उपला करसी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें आप अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 5 आहुति या 8 आहुति या 11 आहुति आप उसमें लौंग की देंगे। लौंग समझते हैं ना, काले काले जो होते हैं, छोटे छोटे फूल होता है, तो लौंग टूटी हुई ना हो, फूल वाली लौंग हो, आप उसकी आहुति देंगे उसमें। ठीक है, और लौंग की आहुति अगर आप शादीशुदा हैं तो जोड़े से देंगे, दो लौंग एक साथ देंगे। ठीक है, आप लौंग की आहुति देंगे उसके अंदर। लौंग की आहुति देने के बाद, लौंग की आहुति देने के बाद में आप उसके अंदर जो सामग्री होती है, सामग्री आप ले आए बाजार से, मिल जाएगी आपको आराम से, आप उसे घर में भी बना सकते हैं। तो सामग्री होती है, सामग्री की 5, 8 या 11 आहुति आप सामग्री की देंगे, उसके अंदर देंगे जो आपका अग्नि आपने प्रज्वलित किया करसी के ऊपर। 5, 8 या 11 आहुतियाँ आप उसकी लौंग की और सामग्री के उसके ऊपर देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, लौंग की आहुति आप इस तरह, लौंग या सामग्री की आहुति जब देते हैं तो ये जो उंगलियां हैं, ये वाली जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां काम नहीं आती हैं आपको, ये इस तरह से देनी होती है, इस तरह से आपको देनी होती है। या आप ये दोनों उंगलियाँ ले सकते हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं। ये दोनों उंगलियों का प्रयोग नहीं करेंगे, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं होता, ये दोनों या ये। ठीक है, आप इसको प्रयोग करेंगे और इस तरह से आप उसमें आहुति दे सकते हैं। तो 5, 8 या 11 आहुति आप उसमें दे दें और बाबा का प्रार्थना करें, बाबा के ध्यान करें, जो बाबा की साधना करना चाहते हैं, जो मंत्र करना चाहते हैं वो मंत्र करें, जो साधना करना चाहते हैं तो साधना करें। एक वीडियो है कि बाबा की साधना कैसे करें, बाबा की सिद्धि कैसे करें, बाबा की तंत्र साधना कैसे करें, तंत्र साधना नहीं, बाबा की केवल साधना और सिद्धि, बाबा का प्यार कैसे हासिल करें, उसके लिए एक वीडियो मैं और बनाऊंगा। इसके बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि साधना किस तरह करें। तो साधना के लिए भी ये ज़रूरी है, पहले ये होगा उसके बाद साधना होगी। और नहीं तो आप जैसे गृहस्थ हैं तो बाबा का धूना करने के बाद आप बाबा की पूजा कर सकते हैं नॉर्मल सीधे तरीके से, जो भी मंत्र आपको बोलने हैं, जो भी क्रिया आपको करनी है वो कर सकते हैं। तो बाबा का धूना कैसे करें कि जो एक कंडीशन थी वो मैंने आपको बता दी, कि बाबा का धूना करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गोबर के उपले की करसी आपको तोड़नी है छोटी छोटी, उसको आप अपने गैस पर लाल करके गर्म कर लें एकदम, जब वो लाल होने जाए तब उसको लाएं और उसके ऊपर हल्का सा घी, देसी घी, क्योंकि बाबा का देसी घी चलता है, ध्यान रखिएगा कोई और प्रयोग ना करें। देसी घी की उस पर आहुति आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद 5, 8 या 11 आहुति लौंग की, 5, 8 या 11 आहुति अपने आप उसके ऊपर जो है सामग्री की देंगे। इसके अलावा कोई और कुछ इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें और कुछ नहीं डालना है, केवल लौंग और सामग्री डालनी है, ये बिल्कुल आप इनको समझ के रखिए। ठीक है, इसके बाद जब आती है बात भोग की, तो भोग में आप बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं बाबा के संबंध में। कुछ लोग बाबा का रोट बनाते हैं, ठीक है, रोट बनाना पसंद करते हैं, मीठा रोट बनाना पसंद करते हैं। कुछ लोग बाबा के लिए कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं, कुछ लोग बाबा के लिए पूड़ी हलवे का सब्जी का भोग लगाते हैं। मैं जितना मैं ध्यान कर पाया हूँ, जितना मुझे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं केवल ये सोचता हूँ कि जो भी आप खा रहे हैं, जो भी ईश्वर ने, देखिए जो मुझे बाबा ने दिया है मैं बाबा को अर्पण करता हूँ खाने से पहले। तो जो भी मेरे घर में बना होता है, जो भी मैं खाने वाला होता हूँ, उसको सुबह एक अलग निकाल कर थोड़ा सा, और उसके कम से कम 2 टुकड़े, छोटे छोटे 2 टुकड़े, जो हमने आहुति दी हुई है, जो अग्नि प्रज्वलित है, उस अग्नि में हम समर्पित कर देते हैं बाबा के नाम से। छोटे छोटे 2 टुकड़े तोड़कर जो अग्नि लगी हुई है, जो करसी में, जो धुने में अग्नि लगी हुई है, उस अग्नि में जहाँ पे हमने सामग्री डाली है, लौंग डाली है, उसी में ही हम वो दोनों टुकड़े भी समर्पित करते हैं बाबा, क्योंकि बाबा अपना भोग लगाइए, बाबा अपना भोग स्वीकार करें कि हे महाराज, बाबा महाराज जो भी आपने दिया है, जैसा भी दिया है, उसका आप भोग स्वीकार करें।
ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद बाबा से हाथ जोड़ते हैं और जो भी आप अपनी क्रिया करना चाहते हैं वो क्रिया करते हैं। तो बात बिल्कुल सीधी सी है, ध्यान रखिएगा बाबा को भोग लगाने में या बाबा का धूना करने में बहुत ज़्यादा आफत नहीं है। मेरे गुरु गोरखनाथ तो केवल भाव के भूखे हैं, आप उनको किसी भी भावना से, किसी भी प्यार से, किसी भी दिल से, सच्चे दिल से आप पुकारना शुरू कर दीजिएगा। मेरे महाराज कहीं भी आ जाते हैं, मेरे महाराज का कोई भी ऐसा नहीं है कि सोने के ही पात्र में आप भोग दोगे या छप्पन भोग लगाओगे या कुछ करोगे। मेरे महाराज बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपके प्यार से खुश हो जाते हैं। तो आप उनको प्यार से उनका धूना लगाइए, छोटा सा धूना लगाइए आप, और उनको भोग दीजिए। मेरे महाराज आपके अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर पूरी कृपा करेंगे, अपनी पूरी कृपा आपके ऊपर बरसा देंगे। तो गुरु महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है और यही मेरी प्रार्थना है। गुरु गोरखनाथ सभी पर कृपा बनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ जोड़ दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि गुरु महाराज की कृपा हर किसी के जन जन तक पहुँचे और गुरु महाराज की ये जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं सभी तक पहुँचे और वो उससे लाभ ले सकें। जय गुरु गोरखनाथ।